वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबडी. आफ्टर द मेंडल्स थर्ड लॉ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज कॉल्ड एज टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस. क्या बोलते हैं उसको? टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस. सो लेट्स स्टार्ट विद टेस्ट क्रॉस. सो व्हेन वी सी द वर्ड टेस्ट क्रॉस Yes, this test cross is nothing but इसके लिए simple example लेते हम लोग. Test किसका लिया जाता है? Test लिया जाता है check करने के लिए आपने पढ़ाई की है या नहीं की है. Test लेने से पता चलता है आपका ranking क्या है, आपका मतलब आपने कितना पढ़ा, आपने 50% पढ़ा है कि आपने 100% पढ़ा है. तो similarly यहाँ पे भी test उसी वजह से है. Here also we are going to see test is because we want to check. What we want to check? We want to check जो अपना first generation का F1 generation का hybrid है ना, F1 generation जो हम लोग को मिलता है वो डोमिनेंट दिख रहा है, बट वो असली में डोमिनेंट है पूरा, या वो होमो वाला डोमिनेंट है वो, या वो हेट्रो वाला डोमिनेंट है. मतलब क्या है, देखो जो F1 जनरेशन दिख रहा है वो रेड दिख रहा है. क्या दिख रहा है? रेड. अभी वो रेड ये वाला डोमिनेंट है रेड, जिसमें क्या दिख रहा है, ये कौन सा रेड है बच्चा लोग? होमोजाइगस. व्हाई होमोजाइगस? बिकॉज बोथ आर सेम, बोथ आर सिमिलर अलील. सो दिस इज होमोजाइगस रेड. और इट इज कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी रेड है, बट दिस इज नॉट होमोजाइगस, दिस इज हेट्रोजाइगस. मतलब यहाँ पे बड़ा आर छोटा आर, दिस इज हेट्रोजाइगस रेड. सो वो चेक करने के लिए टेस्ट लिया जाता है. डिड यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट फर्स्ट? व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी टेस्ट क्रॉस? हम लोग को ये पढ़ना है जो ये फर्स्ट जनरेशन में जो रेड दिख रहा है वो कौन सा टाइप का रेड है, वो होमोजाइगस रेड है या वो हेट्रोजाइगस रेड है, ये चेक करना है. क्योंकि जब हम बाहर से देखेंगे प्लांट्स को क्या दिखेगा हमें, प्लांट्स दिखाई देंगे रेड, बाहर से तो रेड दिखेगा ना. ये जीनोटाइप बाहर से तो दिखेगा नहीं, नहीं, दिस इज द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन. सो ये चेक करने के लिए जीनोटाइप क्या है, ये टेस्ट क्रॉस किया जाता है. सो लेट्स सी द टेस्ट क्रॉस. व्हेन वी सी द टेस्ट क्रॉस, डेफिनेशन क्या है? इट इज अ क्रॉस ऑफ F1 hybrid, मतलब जो F1 जनरेशन में मिला वो आंसर विथ इट्स रिसेसिव पेरेंट. कौन से पेरेंट के साथ? रिसेसिव पेरेंट. दो पेरेंट होते हैं, एक जिसको हम कैपिटल में लिखते हैं उसको क्या लिखेंगे? डोमिनेंट पेरेंट. और जिसको हम स्मॉल लिखेंगे वो क्या होता है? रिसेसिव पेरेंट. सो यहाँ पे वी आर गोइंग टू सी, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विद पेरेंट्स, जिसको हम लोग लेंगे P1. सर्कल विथ एन एरो इज मेल एंड सर्कल विथ अ क्रॉस इज फीमेल. सर्कल विथ एन एरो इज मेल एंड सर्कल विथ अ क्रॉस इज. नेक्स्ट इज गोइंग टू बी आर फीनोटाइप, जिसमें हमने फीनोटाइप में फ्लावर्स के कलर लेते हैं. वी आर गोइंग टू टेक रेड फ्लावर्स एंड वी आर गोइंग टू टेक व्हाइट फ्लावर्स. रेड फ्लावर्स एंड व्हाइट फ्लावर्स. सो रेड फ्लावर्स आर गोइंग टू हैव द जीनोटाइप कैपिटल आर और ये व्हाइट के लिए आएगा स्मॉल आर. बिकॉज रेड कलर क्या है? डोमिनेंट है. व्हाइट क्या है? रिसेसिव. व्हाइट रिसेसिव है, याद रखना है सबने. नाउ नेक्स्ट इज द गैमेट्स. व्हेन वी सी गैमेट्स वी हैव अ ईयर, बड़ा आर कैपिटल आर सर्कल. यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्मॉल आर सर्कल. यहाँ पे भी क्या आएगा? स्मॉल आर सर्कल. नाउ नेक्स्ट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट जनरेशन F1 जनरेशन. इसको लिखने का तरीका क्या बताया था मैंने आप लोग को? वी हैव टू नंबर दिस 1, 2, 3 एंड 4. फिर क्या बताया था? 1 के साथ 3, 2 के साथ 3 के साथ 2, 4 के साथ 1. बिना देखे आ रहा है सबको बोलना? यस. yes, वापस बोल के बताओ. 1 के साथ 3, 2 के साथ 4, 3 के साथ 2. शाबाश. सो 1 स्ट्रेट लाइन डाउन देन टुवर्ड्स 3, 1 सीधा लाइन नीचे पे 3. क्या दिख रहा है यहाँ पे हमारे पास है? कैपिटल आर है और छोटा आर है, बड़ा आर छोटा आर. 2 के साथ 4, बड़ा आर एंड छोटा आर. वी हैव 3 के साथ 2 विच इज अगेन बड़ा आर एंड छोटा आर. 4 के साथ वी हैव 1 विच इज अगेन बड़ा आर एंड छोटा आर. तो ये सब दिखाई देंगे हम लोग को, सब क्या है? रेड. ऑल आर रेड, सब रेड है.
ओके, बट अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका टेस्ट क्रॉस इधर हेडिंग देंगे हम लोग, टेस्ट क्रॉस. इन दिस टेस्ट क्रॉस व्हाट इज डन इज, टेस्ट क्रॉस में क्या करते हैं बोलो, F1 हाइब्रिड को लेंगे एंड क्रॉस करेंगे. किसके साथ क्रॉस करेंगे? क्रॉस करेंगे विथ रिसेसिव पेरेंट, क्रॉस करेंगे विथ रिसेसिव पेरेंट. सो F1 हाइब्रिड को अगर हमने लिया ये मेल, और रिसेसिव वाले को लिया फीमेल, F1 हाइब्रिड क्या मिला आंसर हम लोग को, कैपिटल R स्मॉल R, और रिसेसिव में स्मॉल R स्मॉल R. सो नेक्स्ट इज गोइंग टू बी द गैमेट्स. गैमेट्स क्या आएंगे यहाँ पे, कैपिटल R सर्कल, छोटा R सर्कल, बड़ा R टी, छोटा R सर्कल, वापस छोटा R सर्कल. मतलब ये दोनों लिए ना मैंने, ये क्या बड़ा R और छोटा R, ये क्या है मेल, छोटा R क्या है फीमेल. नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट इज we are going to see F2 generation. Next क्या आएगा, F2 generation. F2 generation में we'll take circle with an arrow is male and circle with a cross is female. Male क्या मिला हम लोग को, we'll have 3 boxes, 3 क्यू लिया हम लोग ने, 3 rows, 3 columns. Because we have यहाँ पे कितना gametes है हमारे पास, 2 gametes है, यहाँ पे भी कितने gametes है, 2 gametes. So 3 rows and 3 columns. क्या आएगा यहाँ पे, क्या बड़ा R, यहाँ पे छोटा R, यहाँ पे छोटा R, यहाँ पे छोटा R. ये फर्स्ट वाले में देखो क्या मिलेगा, बड़ा R छोटा R विच इज रेड. यहाँ पे क्या मिल रहा है, बड़ा R छोटा R विच इज रेड. सबको आता है ये बॉक्स भरना है, तो ऊपर वाला देखना है एंड किसको देखना है, बाजू वाला देखना है, ऊपर वाला एंड बाजू वाला. यहाँ पे क्या मिल रहा है, छोटा R छोटा R विच इज वाइट, एंड यहाँ पे भी छोटा R विच इज वाइट. सो इससे क्या समझ में आ रहा है, हम लोग को 50% रेड मिल रहा है एंड क्या मिल रहा है, 50% वाइट. सो वी आर गेटिंग द आंसर एज 50% रेड एंड 50% वाइट, 50% वाइट. ओके, नाउ यहाँ पे ये टेस्ट क्रॉस खत्म होता है, बट वी हैव टू राइट दी सिग्निफिकेंस, वी हैव टू सी दी सिग्निफिकेंस व्हाई वी आर डूइंग दिस. दिस इज अ 3-4 मार्क का क्वेश्चन वेर इन दे विल से एक्सप्लेन टेस्ट क्रॉस विद एन एग्जाम्पल. ए टेस्ट क्रॉस को एक्सप्लेन करना आपको विद से गिविंग एन एग्जाम्पल. सो द सिग्निफिकेंस इज it is used to determine, it is used to determine the genotype of the individual. क्या determine करने के लिए use होता है, genotype. It is used to determine genotype of the individual, of individual. Second, it is used to check whether the F1 hybrid, जो F1 hybrid exhibit कर रहा है dominant character, it is used to check whether ये जो F1 hybrid है जो exhibit क्या कर रहा है, dominant character, it is showing dominant character, is genotypically homozygous or heterozygous. It is used to determine whether the F1 hybrid is genotypically homozygous or heterozygous. Genotypically homozygous or heterozygous. Or heterozygous. Third point, purity of the parents can be determined. Purity of the parents can be determined. We can check for how much pure the parents are. Can be determined. मतलब इसको अगर हम लोग parent ले रहे थे, ये जो red मिलेगा इसको parent समझते हैं, तो ये parent pure है या नहीं वो पता चल रहा है. Fourth, it is used in plant breeding experiments. It is used in plant breeding experiments. Plant breeding experiments. Sometimes only the significance is asked for 2 marks.
ओनली सिग्निफिकेंस इज आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स, तो सिर्फ सिग्निफिकेंस लिखो. अभी क्वेश्चन ये आता है, मैंने एक्सप्लेन तो किया नहीं कैसे मालूम पड़ रहा है इसमें होमोजाइगस है क्या हेटरोजाइगस है, वो तो तुमको आंखों से दिख रहा है इसका कि तुम लोग ने बोला ये तो हेटरोजाइगस है, बट झाड़ में कैसे पता चलता है. देखो कैसे पता चलता है, जब भी हमारे पास यहाँ पे कैपिटल बड़ा आर छोटा आर है तो हमें आंसर क्या मिला बच्चों, 50% रेड एंड 50% व्हाइट मिला, बिकॉज यहाँ पे बड़ा आर भी है और छोटा आर भी है. सपोज यहाँ पे बड़ा आर छोटा आर नहीं होके सपोज हमारे पास यहाँ पे होता, सपोज हमारे पास यहाँ पे बड़ा आर होता, बड़ा आर छोटा आर ओके नहीं, दोनों भी बड़ा आर होता तो क्या हो जाता बच्चा लोग, यहाँ पे जो छोटा आर है उसकी जगह पे क्या आ जाता बड़ा आर. यहाँ पे अगर बड़ा आर आता तो इधर भी बड़ा आर मिलता, यहाँ पे भी बड़ा आर मिलता, मतलब 100% क्या मिलता रेड. अगर टेस्ट क्रॉस के एंड में 100% डोमिनेंट वाला मिल रहा है मतलब क्या है, उसका जो F1 जनरेशन स्टार्ट किया है वो होमोजाइगस है. बट नहीं, हमको 50% डोमिनेंट कैरेक्टर दिखा, हमें 50% रिसेसिव दिखा, मींस जो F1 हाइब्रिड है वो होमोजाइगस नहीं है, वो क्या है हेटरोजाइगस. समझा कैसे चेक किया जाता है, यस और नो, यहाँ पे क्या मिला है बड़ा आर छोटा आर है, इस करके 50% क्या मिला रेड 50% व्हाइट. बट यहाँ पे अगर दोनों भी बड़ा आर होता, यहाँ पे बड़ा आर होता, देखो इधर भी आर बड़ा तो इधर क्या हो जाता बड़ा आर हो जाता इधर, फिर उसकी वजह से इधर भी बड़ा आर हो जाता, इधर बड़ा आ रहा है तो इधर भी बड़ा आ रहा है तो व्हाइट की जगह पे रेड, यहाँ पे भी बड़ा आ रहा है तो व्हाइट की जगह पे रेड, मतलब 100% क्या मिलता रेड. बट यहाँ पे 100% रेड नहीं मिला है, मतलब जो F1 हाइब्रिड है दैट इज नॉट होमोजाइगस दैट इज हेटरोजाइगस. सो इट इज यूज टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ द इंडिविजुअल, इट इज यूज टू चेक, क्या चेक करने के लिए, जो F1 हाइब्रिड है जो क्या दिखा रहा है, इट इज यूज टू चेक वेदर द F1 hybrid which is exhibiting dominant character jo exhibit kar raha hai dominant character मतलब जो दिखा रहा है डोमिनेंट कैरेक्टर इज जीनोटिपिकली होमोजाइगस और हेटरोजाइगस. मतलब जो F1 जनरेशन हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर शो कर रहा है ना, एग्जिबिट कर रहा है मतलब शो कर रहा है, वो जीनोटिपिकली होमोजाइगस है या वो क्या है हेटरोजाइगस. थर्ड, वी कैन चेक फॉर प्योरिटी ऑफ द पेरेंट्स प्योर है या हेटरो होमोजाइगस है या हेटरोजाइगस है. And last, it is used in plant breeding experiments. So this topic is clear. Everybody is sure. So please start writing. So after the test cross, the next topic which we are going to see is on the back cross. Okay, next topic is back cross. So we write the heading over here as back cross. And what are the changes that we can do is back cross में क्या होता है? When we are moving, पीछे देखने को क्या बोलेंगे हम लोग back. तो यहाँ पे we are moving. ठीक है, यहाँ पे moving F1 generation तक. जब इसने back मुड़ के देखा तो इसको दिखे अपने दोनों माँ बाप, कौन है दोनों माँ बाप, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव. सो बैक क्रॉस इज दैट ओनली. व्हाट डज बैक क्रॉस मीन, इट इज अ क्रॉस ऑफ द F1 हाइब्रिड. बैक मुड़ के दिखा तो क्या दिखा, पेरेंट विथ एनी पेरेंट मतलब क्या बोलेंगे, आइदर डोमिनेंट या तो रिसेसिव. सो व्हाट इज बैक क्रॉस, इट इज अ क्रॉस ऑफ F1 हाइब्रिड विथ एनी पेरेंट विच कैन बी डोमिनेंट और रिसेसिव. तो यहाँ पे पहले हम लोग देख रहे हैं बैक क्रॉस, पहला क्या देख रहे हैं बैक क्रॉस विथ रिसेसिव पेरेंट. सो स्टार्ट हमने सेम किया था, देखो रेड फ्लावर्स थे व्हाइट फ्लावर्स, फर्स्ट जनरेशन में हम लोग को क्या मिला कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, एंड जब भी उसका बैक क्रॉस किया विथ रिसेसिव पेरेंट हमें क्या मिला 50% रेड 50% व्हाइट. नाउ हियर वी आर गोइंग टू सी बैक क्रॉस विथ डोमिनेंट पेरेंट. ये बैक क्रॉस किसके साथ, F1 हाइब्रिड With the dominant parent. क्या होगा बैक क्रॉस विद डोमिनेंट पेरेंट में, हम लोग देखेंगे वी आर गोइंग टू हैव F1 हाइब्रिड विच इज कैपिटल आर छोटा आर और इधर बड़ा आर मिला हम लोग को. नाउ हियर वी हैव गैमेट्स में हमारे पास आएगा बड़ा आर सर्कल छोटा आर सर्कल बड़ा आर सर्कल एंड वापस यहाँ पे बड़ा आर मिला हमें, राइट.
दो दो गैमेट्स है, दिस इज द मेल एंड दिस इज द फीमेल, सो हियर वी आर गोइंग टू हैव द एफ टू जनरेशन, ये वाला जब भी हम लोग डोमिनेंट पेरेंट के साथ करेंगे तो एफ टू जनरेशन के लिए वी आर गोइंग टू यूज दिस मेथड विच इज कॉल्ड एज चेकर बोर्ड या तो पनेट स्क्वायर मेथड, वेर इन वी हैव हियर सर्कल विथ एन एरो, दिस इज सर्कल विथ अ क्रॉस, क्या मिला है मेल पेरेंट क्या था, बड़ा आर छोटा आर, यहाँ पे बड़ा आर बड़ा आर, अभी बताओ फर्स्ट बॉक्स में क्या आएगा बच्चा लोग, दिस इज बड़ा आर विच इज रेड, यहाँ पे आएगा बड़ा आर विच इज रेड, यहाँ पे आएगा बड़ा आर छोटा आर रेड, यहाँ पे बड़ा आर छोटा आर रेड, जब भी बड़ा आर रहेगा बड़ा आर डोमिनेंट है तो रेड होगा, आप न्यू एडमिशन हो ना बेटा, बड़ा आर रहेगा तो भी रेड है, बड़ा आर और छोटा आर रहेगा तो भी रेड है, क्यों ऐसा, बिकॉज जो बड़ा कैपिटल आर रहता है ना बड़ा आर, वो डोमिनेंट रहता है, दोनों छोटा आर रहेगा तभी क्या आएगा वाइट, समझ में आया फर्क, ओके तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिल रहा है, वी आर गेटिंग 100% रेड, क्या मिल रहा है 100% रेड, सो दी सिग्निफिकेंस, ये तो खत्म हो गया बैक क्रॉस, सिग्निफिकेंस इसका क्या है, सिग्निफिकेंस मीन्स इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस, अभी मुझे बताओ व्हेन वी आर डूइंग बैक क्रॉस विद द डोमिनेंट पेरेंट, व्हेन वी आर डूइंग बैक क्रॉस विद द डोमिनेंट पेरेंट इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस ऑल डोमिनेंट कैरेक्टर्स, क्या प्रोड्यूस करता है ऑल, सो जब भी बैक क्रॉस करते हैं डोमिनेंट पेरेंट के साथ तो 100% हम लोगों को क्या मिलता है डोमिनेंट, सो फर्स्ट सिग्निफिकेंस ही यही है, बैक क्रॉस विद द डोमिनेंट पेरेंट प्रोड्यूसेस विद द डोमिनेंट पेरेंट produces all dominant characters. Dominant parent के साथ back cross करेंगे तो क्या produce करता है dominant characters, produces dominant characters. Back cross with dominant parent produces dominant character. अभी अगर हम लोग ने आपको पूछा हम लोग ना ये बैक क्रॉस किया डोमिनेंट पेरेंट के साथ तो हमको 100% रेड मिले, कंटिन्यूअस बैक क्रॉस करते रहेंगे डोमिनेंट पेरेंट के साथ तो क्या होगा, इट विल बी यूज्ड टू एलिमिनेट द रिसेसिव कैरेक्टर बिकॉज रिसेसिव कैरेक्टर विल नॉट गेट प्रोड्यूस्ड एट ऑल, सो कंटिन्यूअसली बैक क्रॉस अगर किसके साथ किया विद डोमिनेंट पेरेंट, क्या आएगा नेक्स्ट पॉइंट, कंटिन्यूअस बैक क्रॉस, कंटिन्यूअस बैक क्रॉस विद डोमिनेंट पेरेंट, किसके साथ विद डोमिनेंट पेरेंट, हेल्प्स टू एलिमिनेट, किसको एलिमिनेट करता है, हेल्प्स टू एलिमिनेट द रिसेसिव कैरेक्टर, क्या एलिमिनेट हो जाएगा रिसेसिव कैरेक्टर, हेल्प्स टू एलिमिनेट द रिसेसिव कैरेक्टर, रिसेसिव कैरेक्टर विल नॉट गेट प्रोड्यूस्ड एट ऑल, and third and fourth point is going to be the same, third point isme hum log kya kar sakte hain, this is used to in the third point is same, it is used to improve the crop variety, kyun use hota hai to improve crop variety, because we can get all dominant crops, it is used to improve the crop variety, जब भी हम लोग बैक क्रॉस कर रहे हैं कंटिन्यूअस बैक क्रॉस किसके साथ विद द डोमिनेंट पेरेंट, तो सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर्स प्रोड्यूस होंगे, 100% रेड मिल रहा है, बार बार कंटिन्यूअसली बैक क्रॉस करेंगे विद डोमिनेंट पेरेंट इट इज गोइंग टू एलिमिनेट ऑल द रिसेसिव कैरेक्टर्स, सो दिस इज गोइंग टू इम्प्रूव द क्रॉप वराइटी एंड फोर्थ इज द सेम, इट इज यूज इन प्लांट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स, किधर यूज होता है, इन प्लांट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स, plant breeding experiments, so this is another answer which can be asked for 3 marks or 4 marks, the question which they will specify is explain back cross with an example, so you have to give an example, you have to show both the crosses, dominant wala bhi and recessive wala bhi, kyu both Anurag beta, why both, why you have to show this cross with recessive also and dominant also Anurag, you have to show this with both the parent because yahan pe diya hua hai any parent, तो F1 हाइब्रिड का क्रॉस किसके साथ होगा विथ एनी पेरेंट मतलब डोमिनेंट पेरेंट के साथ भी क्रॉस दिखाना है और रिसेसिव के साथ भी दिखाना है, समझा अनुराग,
एवरीबडी श्योर क्यों दोनों के साथ क्रॉस किया फाइन सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस बैक क्रॉस यू ऑल कैन राइट डाउन ओके नियो मेंडलिज्म में क्या होता है नाउ वेरी फ्यू जर्नलाइजेशंस वर अराइव बाय मेंडल ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स ऑन गार्डन पी जब भी उसने एक्सपेरिमेंट्स किया था गार्डन पी पे तो उसको ये जनरलाइजेशंस दिखे थे फर्स्ट जनरलाइजेशन इज सिंगल ट्रेट मतलब सिंगल कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय सिंगल जीन एंड इट हैज गॉट टू एलील्स एक काम करो सिंपल एग्जाम्पल लो टॉल टॉल के लिए क्या बोला है कौन सा जीन है बड़ा टी तो क्या बोलेंगे सिंगल ट्रेट कौन सा टॉल सिंगल जीन कौन है कैपिटल टी एंड टू अलील्स रहते हैं उसमें कैपिटल टी व्हाट विल से सिंगल कैरेक्टर सिंगल जीन बट अलील कितने रहते हैं दो रहते हैं हम लोग टॉल के लिए खाली एक बार टी नहीं लिखते बच्चा लोग हम लोग कितनी बार लिखते हैं दो बार तो हम लोग क्या बोलेंगे सिंगल ट्रेट विल बी कंट्रोल्ड बाय सिंगल जीन जो बड़ा टी है वो और उसको दो बार लिखते हैं टू अलील्स टू अलील शो इंटरैक्शंस इन विच वन इज कम्प्लीटली डोमिनेंट जैसे हमारे पास बड़ा आर और छोटा आर साथ में है तो दो अलील्स आपस में इंटरैक्शन दिखाते हैं जिसमें एक क्या होता है कम्प्लीटली क्या होता है डोमिनेंट वन इज कम्प्लीटली सो वी हैड सीन वी हैव टू वी हैव कैपिटल आर वी हैव स्मॉल आर ठीक है दो अलील साथ में हैं और वो क्या दिखाते हैं आपस में इंटरेक्शन दिखाते हैं बड़ा आर एंड छोटा आर जिसमें से वन इज डोमिनेंट कौन डोमिनेंट है बड़ा आर क्या है डोमिनेंट है बड़ा आर क्या है डोमिनेंट थर्ड पॉइंट व्हेन वी सी फैक्टर्स फॉर डिफरेंट ट्रेड्स जो डिफरेंट कैरेक्टर्स के लिए फैक्टर्स हैं फैक्टर्स फॉर डिफरेंट ट्रेड्स For different traits are present on different chromosomes and they are sort independently. इसका example हमने देखा था yellow can go with red, yellow can go with round, yellow can go with wrinkled, green can go with round, green can go with wrinkled. कौन सा independent assortment बोल रहे हैं अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे ध्यान से तो इसमें उसने क्या बोला ये first और second में law of dominance बोला है और law of segregation बोला है और इसमें कौन सा law बोला है third law बोला है कौन सा law बोला है law इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्विच ऑफ द फंड्स फैक्टर्स फॉर डिफरेंट ट्रेड्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स फैक्टर्स फॉर डिफरेंट ट्रेड्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स मतलब अलग अलग कैरेक्टर के जो ट्रेड है ना वो अलग अलग क्रोमोसोम पे हैं और वो क्या करते हैं असॉर्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली वो क्या असॉर्ट करते हैं देर इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अभी जब भी जैसे टाइम गया मेंडल ने देखा अरे रेड और वाइट को क्रॉस किया आंसर रेड नहीं मिला पिंक मिला तभी उसको पता चला इनकम्प्लीट डोमिनेंस फिर उसने देखा क्या कैटल के हेयर में भी रेड और वाइट के मिक्सचर ऑफ बाल ऐसे कैटल में कहीं कहीं पे पैचेस रेड के कहीं कहीं पे वाइट है तो मालूम पड़ा को डोमिनेंस एंड फिर थर्ड जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले विच इज मल्टीपल अलील्स मल्टीपल अलील मतलब कोई भी एक एक एग्जाम्पल लेती हूँ मैं वी कैन टेक वन एग्जाम्पल एज ब्लड ग्रुप विच इज कंट्रोल्ड बाय वन सिंगल जीन एक सिंगल जीन ऐसा याद रखने का आई जीन आई ब्लड ग्रुप विच इज कंट्रोल्ड बाय वन सिंगल जीन आई जीन उसमें भी अलील अलग अलग फॉर्म्स है अलीलोमॉर्फिक फॉर्म्स है उसमें आई ए है आई ए है आई बी है और आई ओ है आई ए आई बी आई ओ जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसमें आई ए रहेगा जिसका बी ब्लड ग्रुप है उसमें आई बी है जिसका ए बी ब्लड ग्रुप है उनमें दोनों हैं ए और बी और जिसका ओ ब्लड ग्रुप है उसमें खाली आई ओ है तो इससे मालूम पड़ा जीन एक है कौन सा जीन एक है आई जीन और उसके कितने फॉर्म्स है एलीलोमॉर्फिक फॉर्म्स है सो विद पैसेज ऑफ टाइम नंबर ऑफ डिविएशंस वर ऑब्जर्व्ड एंड आइडेंटिफाइड विच गेव एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑन द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस खाली मेंडल नहीं है खाली मेंडल का नहीं है
बाकी और भी एडिशनल है, और भी एडिशनल कौन से हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, कोडोमिनेंस है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलील्स, ये एडिशनल न्यू कॉन्सेप्ट पता चले। तो व्हाट डज दैट मीन, मेंडल गलत था जो मेंडल ने बताया था? नहीं, मेंडल वॉज नॉट रॉन्ग, मेंडल वॉज राइट, बट दीज आर सम एक्सेप्शंस जो दिखते, एक्सेप्शंस। सो इससे क्या आया, इसको बोलेंगे डिविएशन हो गया। जो मेंडल लॉ ने, मेंडल्स ने लॉ दिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस भी सही है, सेग्रीगेशन भी सही है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बिल्कुल सही है, बट विथ पासेज ऑफ टाइम नंबर ऑफ डिविएशंस वर ऑब्जर्व्ड और आइडेंटिफाइड दैट गिव एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ऐसा नहीं हम बोल रहे मेंडल के लॉज को हटा दिया गया, ऐसा नहीं है। दिस इज एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, दिस इज कॉल्ड एज दीज डिविएशंस फ्रॉम द मेंडल्स लॉ आर कॉल्ड एज न्यू मेंडलिज्म। मतलब वन मार्क के लिए अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज न्यू मेंडलिज्म, न्यू मेंडलिज्म मींस देयर आर डिविएशंस फ्रॉम द मेंडल्स पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, दीज डिविएशंस आर कॉल्ड एज न्यू मेंडलिज्म, क्योंकि नाम उसका न्यू है, न्यू, न्यू मीन्स न्यू, डिविएशंस फ्रॉम द मेंडेलियन इनहेरिटेंस, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यू मेंडलिज्म। नाउ न्यू मेंडलिज्म में वी डू नॉट नीड दिस स्लाइड, यस, इट वॉज ऑब्जर्व दैट, क्या ऑब्जर्व किया गया था, इट वॉज ऑब्जर्व दैट द फीनोटिपिक एक्सप्रेशन, जो फीनोटाइपिक एक्सप्रेशन है ना ऑफ द जीन, कैन बी मॉडिफाइड और इन्फ्लुएंस्ड बाय द अदर जीन। इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे ये वर्ड देखो, फीनोटाइपिक एक्सप्रेशन ऑफ कोई भी एक जीन कैन बी मॉडिफाइड और इन्फ्लुएंस्ड बाय द अदर जीन, कैन बी मॉडिफाइड और इन्फ्लुएंस्ड बाय द अदर जीन। जैसे रेड है बड़ा आर, जैसे बड़ा आर है हमारे पास रेड, उसके साथ में छोटा आर आया, आप इसको देख के पढ़ के बोलोगे तुरंत रेड, बट नहीं, यहाँ पे क्या होगा, फीनोटाइपिक एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन इज इन्फ्लुएंस्ड और मॉडिफाइड बाय द अदर जीन। मतलब इसका जो फीनोटाइपिक एक्सप्रेशन आने वाला था रेड, वो मॉडिफाई और इन्फ्लुएंस होगा बिकॉज ऑफ द अदर जीन, कौन है अदर जीन, छोटा आर, तो इस करके रेड नहीं आएंगे, ये क्या आएगा, पिंक, बिकॉज ये कौन सा डोमिनेंस है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कौन सा डोमिनेंस है, सो फीनोटाइपिक एक्सप्रेशन ऑफ द जीन इज इन्फ्लुएंस्ड विद बाय द प्रेजेंस ऑफ द अदर जीन, इज इन्फ्लुएंस्ड और मॉडिफाइड बाय अदर जीन। नाउ देयर आर टू टाइप्स, कौन से टू टाइप्स है, पहले इंट्राजेनिक और दूसरा आएगा इंटरजेनिक। इसका मतलब क्या आएगा, जब हम इंट्रा बोल रहे हैं, इंट्राजेनिक मीन्स इट इज बिटवीन द सेम जीन, किसके बीच में होता है, इट ऑकर्स बिटवीन द अलील्स ऑफ द सेम जीन, किधर ऑकर होता है बोलो, इट ऑकर्स बिटवीन द अलील्स ऑफ द सेम जीन, उसको क्या बोलेंगे, इंट्राजेनिक, मीन्स बिकॉज यहाँ पे सेम जीन होगा। देखो जैसे आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिख रहा है, ये कौन सा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, ये कौन सा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, सो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज ऑकरिंग बिटवीन द अलील्स ऑफ द सेम जीन। यहाँ पे एग्जाम्पल है हमारे पास इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस एंड मल्टीपल अलील्स, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस और क्या आ रहा है, मल्टीपल अलील्स, और क्या आ रहा है, मल्टीपल, तीन टॉपिक आएंगे, किसमें आएंगे, ये इंट्राजेनिक में, किसमें आएंगे, बिकॉज इट इज ऑकरिंग बिटवीन द अलील्स ऑफ द सेम जीन। जब भी हम बोलेंगे इंटरजेनिक है तो इट ऑकर्स बिटवीन द अलील्स ऑफ डिफरेंट जीन्स, अलग अलग जीन्स, डिफरेंट जीन्स, इसमें एग्जाम्पल्स है डिफरेंट जीन्स विच आर प्रेजेंट कहाँ पे, ऑन द सेम और डिफरेंट क्रोमोजोम। इनमें जो हम लोग एग्जाम्पल पढ़ने वाले बच्चा लोग, दैट इज प्लियोट्रोपी एंड पॉली जीन्स, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इफ आई आस्क यू इंट्राजेनिक में कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं हम लोग को, वी हैव थ्री, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस एंड मल्टीपल अलील्स। इंटरजेनिक, इंटरजेनिक मीन्स बिटवीन, इट ऑकर्स बिटवीन अलील्स ऑफ डिफरेंट जीन विच आर प्रेजेंट ऑन सेम और डिफरेंट क्रोमोजोम। और इसमें कौन से एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं, प्लियोट्रोपी और पॉली जीन्स, कौन सा, प्लियोट्रोपी एंड आड़े के इजी है। तो वी हैव गॉट फाइव टॉपिक्स टू सी, सो लेट्स स्टार्ट विथ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। फाइन,
mind, what can you see over here? Here we can see this is red flower having, इन्होंने कैसा लिखा है इसको R1 R1 लिखा है and white flowers को क्या लिखा है R2 R2. So, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको R1 and R2 है. तो see the color is not red, not white, it is बीच में कौन सा कलर है pink. It is pink. So here we are going to see now incomplete dominance का statement and सब देखेंगे हम लोग. So heading इसको देंगे हम लोग deviations from Mendel's law. This my first one we are going to see is incomplete dominance. कौन सा है? Incomplete dominance. Incomplete dominance. Incomplete dominance. Fine. When we say incomplete dominance, इसका मतलब क्या? It is a phenomenon in which neither of the allele is completely dominant over the other. ना बड़ा R dominant है ना छोटा R recessive है. It is a phenomenon in which neither of the allele is completely dominant over the other. मतलब capital R dominant नहीं है, छोटा R recessive नहीं है. And the inter hybrid is intermediate between the two. जो hybrid मिलेगा ना बड़ा R छोटा R is intermediate between the two. Intermediate मतलब red और white के बीच में intermediate क्या आ जाएगा pink. Red और white के बीच में intermediate will be pink. So क्या है statement try करो आप लोग. It is a phenomenon in which neither of the allele. It is a phenomenon in which neither of the allele is completely dominant. Neither of allele is completely dominant over the other. Neither of the allele is completely dominant over the other. Over the other. The hybrid form is intermediate between the two. Hybrid formed is intermediate. कैसा है वो? Intermediate है between the two. Here we are going to see example with parents लिया हमने. Circle with an arrow P1 is male, circle with a cross is female. Then we have phenotype and we'll take genotype. Phenotype mein aap hai, we have red flowers and here we'll have white flowers, red flowers aur kya rahenge? White flowers. रेड फ्लावर्स के लिए जीनोटाइप क्या आएगा हमारा? जीनोटाइप इज गोइंग टू बी कैपिटल आर यहाँ पे क्या रहेगा? स्मॉल आर देन वी हैव गैमेट्स गैमेट्स में वी हैव कैपिटल आर सर्कल वी हैव स्मॉल आर सर्कल F1 generation, same technique करेंगे हम लोग, which is 1, 2, 3, 4, 1 के साथ 3, which is capital R, small r, 2 के साथ 4, which is capital R, small r, 3 के साथ 2, capital R, small r, and 4 के साथ 1, capital R, small r. अब यहाँ पे लिखना क्या है हमें? We have to write here pink. क्या लिखेंगे यहाँ पे? Pink. यहाँ पे neither of the allele is completely dominant over the other, तो answer red और white का mix क्या आएगा? Pink. So next is going to be the selfing. क्या आएगा बाद में? Selfing. Selfing मतलब क्या था? Self pollination of the F1 generation. So यहाँ पे we are going to take we have capital R small r cross with capital R small r. Here next we have is the gametes. The gametes is going to be capital R circle, small r circle, capital R circle, small r circle. Then is going to be the F2 generation.
F2 generation. By checkerboard method, we are going to draw this square and we are going to have three rows and three columns. Circle with an arrow is male and circle with a cross is female. Capital R, small r. देखो मैंने लिख दिया female, लिख दिया capital R, small r. और यहाँ पे भी क्या आएगा? Capital R, small r. कुछ बच्चे मुझे एक बार पूछ रहे थे, यहाँ पे भी बड़ा R दिख रहा है, यहाँ पे भी बड़ा R दिख रहा है, यहाँ पे बड़ा R, बड़ा R लिखते हैं, यहाँ पे छोटा R लिखते, चलेगा क्या? नहीं चलेगा. ये बड़ा R और ये छोटा R कौन है? मेल. ये बड़ा R और छोटा R कौन है? फीमेल. तो वैसे ही लिखना पड़ेगा आपको, कैपिटल R, फिर स्मॉल आर, फिर कैपिटल आर एंड देन स्मॉल आर. यहाँ पे हम लोग को मिलेगा कैपिटल आर विच इज रेड, यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर विच इज पिंक, कैपिटल आर स्मॉल आर विच इज पिंक, यहाँ पे क्या मिलेगा? स्मॉल आर विच इज वाइट. समझा है? कैपिटल आर खाली रेड है, कैपिटल आर स्मॉल आर इज पिंक. तो पहले हमारे पास आएगा फीनोटाइपिक रेशियो. फीनोटाइपिक रेशियो में हम लोग क्या बोलेंगे? वील हैव रेड इज टू पिंक इज टू वाइट. क्या होगा? रेड इज टू पिंक इज टू वाइट, पिंक इज टू वाइट. We have 1:2:1. We have 1:2:1. ये फिनोटाइपिक है, देख के दिखाई दे रहे कैरेक्टर्स हम लोग को, रेड है, पिंक है या वाइट है. नेक्स्ट इज दी जीनोटाइपिक रेशियो. जब हम लोग जीनोटाइपिक रेशियो बोलते हैं तो क्या मिल रहा है? वी हैव गॉड के बड़ा R, बड़ा R, फिर क्या आएगा? बड़ा R, छोटा R, फिर क्या होगा? छोटा R, छोटा R. ये भी क्या मिल रहा है? 1:2:1. मतलब 25% रेड, 50% पिंक एंड 25% क्या होगा? व्हाइट. सो इसका हम लोग अभी सिग्निफिकेंस क्या देंगे? सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस मतलब इसका इंपॉर्टेंस. दिस इज ऑल्सो 4 mark क्वेश्चन. हम लोग बोलेंगे पिंक इज द फिनोटाइप, पिंक इज द फिनोटाइप. फिनोटाइप किसका है? पिंक. पिंक इज द फिनोटाइप ऑफ हेटरोजाइगस जीनोटाइप, ऑफ हेटरोजाइगस जीनोटाइप. मतलब अगर हमारे पास बड़ा आर एंड छोटा आर है तो उसका फिनोटाइप क्या आएगा बच्चा लोग? पिंक. फिनोटाइप क्या आएगा? पिंक. सेकेंड पॉइंट में हम लोग ये बोलेंगे फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो इज सेम. क्या सेम दिख रहा है हम लोग को? फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो इज द सेम. फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो इज सेम. पिंक क्या है? फिनोटाइप है किसका? ऑफ दी हेटरोजाइगस जीनोटाइप. एंड हम लोग को क्या दिख रहा है? कौन सा रेशियो सेम है? फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो इज द सेम. इज दिस डिफिकल्ट? बहुत इजी है ना? ये सुनो, स्टेटमेंट याद हो गया सबको? इट इज अ फिनोमिनन इन विच नाइदर ऑफ द एलील इज कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर द अदर एंड द हाइब्रिड इज, जो हाइब्रिड मिलेगा वो कैसा रहेगा? इंटरमीडिएट रहेगा. रेड और व्हाइट के बीच में इंटरमीडिएट क्या होता है? पिंक. ठीक है, समझा है ना? लाइक प्लीज कॉपी दिस. सो वी आर मूविंग टू द सेकेंड डिविएशन, डिविएशन फ्रॉम मेंडेलियन इनहेरिटेंस सेकेंड, विच इज गोइंग टू बी कोडोमिनेंस. सेकेंड वाला क्या है हमारा टॉपिक? कोडोमिनेंस. सो इसको को लिखेंगे एंड देन वी हैव डोमिनेंस. सो वी हैव ओवर हियर को एंड वी हैव डोमिनेंस, कोडोमिनेंस. So over here we can see the next topic is codominance. Codominance मतलब क्या? दोनों भी dominant है, दोनों भी dominant. So it is a phenomenon in which both the alleles of the heterozygote are fully expressed, of heterozygote are fully expressed, are fully expressed. Both the alleles of the heterozygote are fully expressed, with neither one being dominant or recessive over the other. One being dominant or recessive over the other. Or recessive over the other. कोई भी dominant नहीं है, कोई भी recessive नहीं है. So यहाँ पे जो main word आपको याद रखना है वो ये है,
both the alleles of the heterozygote are fully expressed. Both the alleles of the heterozygote are fully expressed. So we take the example of a roan color coat of cattle. Here we can say we have got red color coat, which is red hair, and here we can say white hair. So we can write red color coat या तो red hair लिख सकते हैं हम लोग, red hair, and यहाँ पे लिखेंगे white hair in case of cattle. So अभी यहाँ पे genotype के लिए capital R, यहाँ पे capital W आएगा. Why? Because ये co-dominance है. ये क्या है? Co-dominance. Both are dominant. तो दोनों को हमको capital लिखना है. Co-dominance है, both are dominant. तो इसको बड़ा R, इसको बड़ा W. So the gametes which we'll have is बड़ा R circle, यहाँ पे आएगा बड़ा R circle, यहाँ पे रहेगा हमारे पास बड़ा W circle. First generation we are going to have is capital R, capital W, which is called as roan. क्या बोलते हैं उस color code को? Roan. 2 के साथ 4, ये भी capital R, capital W, roan है. Capital R, capital W. 3 के साथ 2 and 4 के साथ 1. 4 and 1 भी क्या मिल रहा है? Capital R, capital W. What is roan? It is the mixture of red and white hair. किसका मिक्सचर है? रेड एंड व्हाइट हेयर, दोनों का मिक्सचर रेड एंड व्हाइट हेयर. सो यर व्हेन वी सी दी एफ टू जनरेशन सेल्फिंग करेंगे यहाँ पे वील हैव कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू को क्रॉस किया विद कैपिटल R कैपिटल W. व्हाट आर दी गैमेट्स? वील हैव कैपिटल R, यहाँ पे क्या आएगा? कैपिटल W. यहाँ पे भी क्या आएगा? कैपिटल R. और यहाँ पे क्या आएगा? कैपिटल W. Now F2 generation, जो अपनी second generation है F2 generation, in that we are going to see हमारे पास क्या होगा? We'll have circle with an arrow, circle with a cross. यहाँ पे क्या आएगा? Capital R, capital W. So अभी जल्दी से बताओ ये first box में क्या आएगा बच्चा लोग? Capital R, capital R क्या है? Red. यहाँ पे capital R, capital W which is roan. Roan मतलब क्या होता है? मिक्सचर ऑफ रेड एंड व्हाइट हेयर. कैपिटल R कैपिटल W विच इज roan. वी हैव कैपिटल W कैपिटल W विच इज व्हाइट. सो फीनोटाइपिक रेशियो क्या मिलेगा हम लोग को यहाँ पे? रेड इज टू roan इज टू व्हाइट. तो क्या आएगा? 1:2:1. यहाँ पे क्या मिलेगा? बड़ा R बड़ा R इज टू बड़ा W. क्या मिलेगा इधर भी? 1:2:1. तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे? सी यर विल से roan इज द फीनोटाइप ऑफ हेट्रोजाइगस जीनोटाइप. कौन सा हेट्रोजाइगस जीनोटाइप है? बड़ा R बड़ा W. तो फीनोटाइप क्या है? roan. roan मतलब मिक्सचर ऑफ रेड हेयर एंड व्हाइट हेयर. Next is phenotypic and genotypic ratio is the same. Phenotypic and genotypic ratio is the same. Fine. You all can copy this. So, because we have completed with co-dominance, let us see examples of both. दोनों में हमने एक चीज देखा common थी, दोनों में phenotypic और genotypic ratio same था. दोनों का जो F1 hybrid है उसका phenotype अलग था. When it is incomplete dominance, it is pink. When it is co-dominance, it is roan. देखा था. Okay. The examples of incomplete dominance के लिए जो examples है, that is here we are going to see two examples, and ये exam में one liner question के लिए give examples of incomplete dominance पूछते हैं. This is called as Mirabilis Jalapa, which is known as 4 o'clock plant. इसको 4 o'clock plant बोलते हैं. 4 o'clock plant. Yeah.
Yes, this is like a Ratrani which blooms in the early morning. अभी इसमें मिराबलिस जलापा में अगर आप ऑब्जर्व करोगे, मैंने एम कैपिटल लिखा बिकॉज इट इज द नेम ऑफ द जीनस, एंड जलापा में जे क्या लिखा है, छोटा लिखा, दोनों को अलग लिख के मैंने अंडरलाइन किया है बिकॉज ये जीनस का नाम है, ये क्या उसके स्पीशीज का नाम, फर्स्ट वर्ड क्या होता है, इट इज द नेम ऑफ द जीनस, सेकेंड वर्ड इज द नेम ऑफ द स्पीशीज, सेकेंड इज नोन, सेकेंड एग्जाम्पल इज एंटीरिनम, एंटीरिनम मजूस, Antirrhinum majus, which is the example for snapdragon. Snapdragon is the name of a plant. I can show you later the image. Snapdragon. So these are the two examples. Bracket वाले नहीं लिख सकते. You have to write the first name also. एक बार बोल के बताओ. Mirabilis jalapa. Antirrhinum majus. Mirabilis jalapa. Antirrhinum majus. Now examples of codominance. Examples किसका of codominance. Codominance मतलब जहां पे क्या है बच्चा लोग, दोनों भी dominant है. Codominance के examples बहुत simple, एक हम लोग ने already पढ़ लिया है. क्या पढ़ा है हमने? Roan color coat of cattle. Roan color coat of cattle. And second, roan का मतलब आप लोग को पता है, what it is, mixture of red and white hair. Second example is AB blood group. ये मैंने example अभी तक बताया नहीं है. Why I haven't I told? Because multiple alleles जब भी हम लोग पढ़ेंगे उसमें cover हो जाएगा multiple alleles में. इस करके मैंने AB blood group के बारे में नहीं करवाया. ठीक है, तो ये जो examples है please इसको फटक से note down कर लो. So next topic over here is on multiple alleles, third topic, and which would be our most probably the final topic, last topic, which is the multiple alleles. Multiple alleles is the last topic of intragenic inheritance. किसका है वो? Intragenic. उसके बाद में क्या आएगा बच्चा लोग? Intergenic. Intergenic आएगा. उसमें कितने टॉपिक है? दो टॉपिक. कौन से? Pleiotropy और polygenes. Pleiotropy and polygenes. Multiple alleles. So multiple alleles. बस ओके. मल्टीपल अलील्स वर्ड का मतलब क्या है? अभी मल्टीपल मतलब बहुत सारे अलील. अभी यहाँ पे होता क्या है, जीन एक होती है, जीन एक, उसको अलग अलग फॉर्म में रहेंगे. जैसे तुम सब बच्चे मेरे एक ही हो मेरे लिए, ठीक है, बट सब अलग अलग फॉर्म में है. एक है स्वयं, एक है अनुराग, एक है प्रदीप, एक है मिथिल, ऐसे सब अलग अलग है. तो तुम लोग भी क्या हो? वैसे ही बॉयज, सब बॉयज हो बट सब अलग हो. वैसे ही यहाँ पे मल्टीपल अलील्स के बारे में क्या देखेंगे? देखो, इट इज टू और मोर ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स. ये आपने डेफिनेशन पहले सुना है, कहाँ पे सुना है? देखो, टू और मोर ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन प्रेजेंट ऑन द सेम लोकाई ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, सेम लोकाई ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड कंट्रोलिंग, क्या कंट्रोल कर रहे हैं? सेम कैरेक्टर एंड कंट्रोलिंग पर्टिकुलर कैरेक्टर, मतलब सेम कैरेक्टर भी बोल सकते हैं, पर्टिकुलर कैरेक्टर. जैसे यहाँ पे ये जो डेफिनेशन है वो न्यू कमर्स को बहुत अलग लग रहा होगा. क्या क्या है ये डेफिनेशन? जीन एक है, एक ही जीन, उसको क्या करेंगे हम? टू और मोर ऑल्टरनेटिव फॉर्म में लिखेंगे, दो या उससे अधिक ऑल्टरनेटिव फॉर्म में लिखेंगे. वो कौन सी जगह पे प्रेजेंट है? सेम जगह पे, मतलब सेम लोकाय में, होमोलोगस क्रोमोसोम एंड दे आर कंट्रोलिंग अ पर्टिकुलर कैरेक्टर. जैसे एग्जाम्पल है ह्यूमंस में ब्लड ग्रुप, ह्यूमन ब्लड ग्रुप इज कंट्रोल्ड बाय जीन, कौन सा कंट्रोल्ड बाय? आई जीन. कौन सा जीन है? आई जीन. कहाँ
कहाँ पे प्रेजेंट होगा? प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द आरबीसी. प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द आरबीसी. इट हैज थ्री एलीलोमॉर्फिक फॉर्म्स. उसमें थ्री एलीलोमॉर्फिक फॉर्म्स हैं. थ्री एलीलोमॉर्फिक फॉर्म्स. अभी वो थ्री एलीलोमॉर्फिक फॉर्म्स कौन से हैं? इट कैन बी आई ए, कैपिटल ए, आई बी एंड आई ओ. अभी ना बच्चा लोग, ये आई ओ कौन है? जब आप बायो टू में पढ़ोगे तो उसमें छोटा आई करके भी दिया हुआ है, ठीक है. बायो वन में बड़ा आई ओ है, बट बायो टू में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में छोटा आई करके भी दिया हुआ है. तो तभी कंफ्यूज ना हो जाए, ये रॉन्ग नहीं है, वो राइट नहीं है, दोनों सेम है, दोनों सेम है. जिसमें आई ए एंड आई बी है ना, जो आई ए एंड आई बी है ना, आई ए एंड आई बी आर डोमिनेंट. क्या है वो? डोमिनेंट. एंड आई ओ इज रिसेसिव. इसका मतलब क्या है? स्वयं ए एंड आई बी डोमिनेंट है, आई ओ रिसेसिव है. मतलब क्या है बच्चा लोग? अगर मैं बोलूं आई ए और आई ओ साथ में है स्वयं, तो कौन एक्सप्रेस होगा बेटा? शाबाश. ब्लड ग्रुप कौन सा रहेगा? ए. कशाला ए, क्योंकि ए क्या है? आई ए डोमिनेंट है, तो आई ए इज डोमिनेंट, तो ब्लड ग्रुप क्या रहेगा? ए. करेक्ट, फाइन. तो वो बोलने चाह रहे थे. देखो अभी हम लोग बोलेंगे देर आर सिक्स जीनोटाइप. कितने जीनोटाइप है? सिक्स जीनोटाइप फॉर फोर फीनोटाइप. कितने फीनोटाइप है? फोर फीनोटाइप. एंड जीनोटाइप कितने है उसके? सिक्स. अच्छे से देख लो, अच्छे से याद कर लो. सो हियर वी ड्रॉ द टेबल, जिसमें हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फीनोटाइप, फीनोटाइप एंड यहाँ पे जीनोटाइप. फीनोटाइप यहाँ पे लिखा है जीनोटाइप, जिसमें हमारे पास फीनोटाइप में क्या ऑप्शन है? ए ब्लड ग्रुप हो सकता है, बी. थर्ड ऑप्शन क्या है? ए बी. एंड फोर्थ ऑप्शन कौन सा है? ओ ब्लड ग्रुप. कौन सा है? ओ ब्लड ग्रुप है ऑप्शन, राइट. आपने क्या देखा है? ए में मैंने दो बनाए हैं, ठीक है. जब भी ए ब्लड ग्रुप होगा, वी नो दैट अलील्स कभी भी कैसे रहते हैं? पैर में रहते हैं. नॉट दिस पैर, इट इज प्रेजेंट इन पैर टू. सो इट इज आई ए. आई ए हो सकता है तभी भी ए ब्लड ग्रुप है, नहीं तो आई ए आई ओ रहेगा तो भी ए ब्लड ग्रुप है. ए ब्लड ग्रुप के लिए क्या होगा? आई ए आई ए, नहीं तो आई ए आई ओ. बी ब्लड ग्रुप के लिए क्या होगा? आई बी आई बी आई बी आई ओ. वेरी गुड. ए बी के लिए क्या होगा? ए आएगा और आई बी आएगा. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वॉट? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस. कोडोमिनेंस बिकॉज बोथ आर डोमिनेंट, बोथ आर डोमिनेंट, तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस. एंड ओ ब्लड ग्रुप रहेगा तो क्या आएगा? आई ओ आई ओ. अभी जब भी आई ओ आई ओ लिखते हैं, उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, छोटा है छोटा है, वो मैंने आपको बता दिया है, राइट. बिकॉज आई ओ को ही कैसा लिखा जाता है? छोटा आई भी लिखा जाता है, और उसका रीजन भी है, बिकॉज आई ओ क्या है? रिसेसिव, ठीक है. सो सिक्स फीनोट, हम लोग को फोर फीनोटाइप है. हाउ मेनी जीनोटाइप? सिक्स, क्योंकि इसके दो है, इसके दो है, इन दोनों के एक एक है, तो टोटल कितने हो गए? छः हो गए. इसके अलावा वी हैव गॉट वन मोर एग्जाम्पल विच आई हैव टू शो यू ऑल. अच्छा, दिस वॉज दी रोन कलर कोड का एग्जाम्पल, जिसमें आपको दिख रहा है रेड हेयर व्हाइट हेयर, और ये क्या दिख रहा है? रोन, मिक्सचर ऑफ रेड एंड व्हाइट हेयर दिख रहा है आपको. इसमें ज्यादा क्लियर दिख रहा है रोन, देखो ऐसा होता है या तो ऐसा होता है. क्लियर है? इसमें दिख रहा था आपको ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, रेड और व्हाइट का पिंक इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और को डोमिनेंस में ऐसे फ्लावर्स रहेंगे. Okay, multiple alleles. We have another example. So another example is of Drosophila melanogaster, which is called as fruit fly. ये Drosophila melanogaster को क्या बोलते हैं हम लोग? Fruit fly.
अभी ये जो है ना ड्रोसोफिला, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिज्म है, हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे के आंसर्स में। जो मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट है ना, उसने ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर के साथ ही किया था। बिकॉज ये फ्रूट फ्लाय है ना, इसका लाइफ साइकिल बहुत शॉर्ट है, मतलब इनको जल्दी ग्रो कर सकते हैं, जल्दी पैदा होते हैं, तो लाइफ साइकिल शॉर्ट होने की वजह से इसको बहुत जल्दी यूज़ किया जाता है। इसके जल्दी ग्रो इन नंबर्स भी होते हैं। सो इनमें क्या दिख रहा है, इनके फीनोटाइप और जीनोटाइप में क्या डिफरेंस दिख रहा है, दे हैव गॉट डिफरेंस इन देयर विंग्स, उनके जो विंग्स है ना उसमें डिफरेंस है, तो वो मल्टीपल एलील्स की वजह से है। सो इफ देयर फीनोटाइप इज नॉर्मल विंग्स, इट इज गोइंग टू बी वीजी के ऊपर प्लस, जीनोटाइप क्या होगा, वीजी के ऊपर प्लस, निक्ट विंग्स रहेगा तो वीजी के ऊपर एन आई, वीजी के ऊपर क्या आएगा, एन आई, निक्ट, निक्ट में मीन्स उसका विंग्स में किधर किधर कट रहेंगे, नॉच विंग्स रहेंगे ना, नॉच विंग्स मतलब एकदम साइड में और छोटे से, तो दोज आर वीजी एन ओ, वीजी एन ओ, एंड पतले से रहेंगे एकदम स्ट्रैप जैसे, तो वीजी एस टी, एंड विंग्स ही नहीं रहेंगे तो इट इज जस्ट वीजी, एंड दैट वीजी इज कमिंग फ्रॉम वेस्टिजियल का वीजी, बिकॉज इट डज नॉट यूज इट्स विंग्स सो मच। तो अगर नॉर्मल विंग्स रहेंगे तो क्या आएगा, वीजी प्लस, वीजी एन आई किसके लिए, फॉर निक्ट, वीजी एन ओ फॉर नॉच, वीजी एस टी फॉर स्ट्रैप, एंड नॉर्मल ये वेस्टिजियल रहेगा तो वीजी। तो इसमें क्या दिख रहा है, वाइल्ड टाइप जो है ना वो डोमिनेंट है ओवर ऑल अदर म्यूटेंट अलील्स इन ड्रोसोफिला, अ लार्ज नंबर ऑफ मल्टीपल अलील्स आर नोन, द साइज ऑफ द विंग्स फ्रॉम नॉर्मल विंग्स टू द वेस्टिजियल विंग्स दैट इज जस्ट स्टम्स इज ड्यू टू वन अलील वीजी इन होमोजाइगस कंडीशन, द नॉर्मल विंग इज वाइल्ड टाइप व्हाइल द वेस्टिजियल विंग इज द रिसेसिव टाइप। यहाँ पे डोमिनेंट वाला कौन है, नॉर्मल विंग्स, नॉर्मल विंग्स क्या है, डोमिनेंट, the normal wing is the wild type 1 while the vestigial wing kaisa hai, recessive, vestigial wing kaisa hai, recessive। ye jo maine karwaya tha aapko blood group ka, इन्होंने ए इधर लिखा है, ए इधर भी लिखा है, देखो इन्होंने छोटा आई यूज किया है, छोटा आई भी हो सकता है नहीं तो आई ओ भी हो सकता है, फिर उसके बाद में ए बी ब्लड ग्रुप के लिए आई ए आई बी, और फिर बी ब्लड ग्रुप के लिए आई बी नहीं तो आई बी आई ओ नहीं तो छोटा आई, और ये ओ ब्लड ग्रुप के लिए क्या आएगा, छोटा आई नहीं तो आई ओ आई ओ। Okay, you all can copy this and you have to write the example from the textbook of Drosophila melanogaster which is present on which page, I'll tell you. So today we have seen the topics on test cross, back cross, then we had seen deviations from Mendel's law. What deviations? Deviations are also called as Neo-Mendelism. Very good, Neo-Mendelism bolte, Neo-Mendelism. After that we had seen intragenic inheritance. Intragenic inheritance mein three topics, which is incomplete dominance, co-dominance, multiple alleles. So what is left next is intergenic inheritance, usme pleiotropy padhna hai and polygenes. And after that we will be starting the second part of the chapter, jahan pe Mendel's ke inheritance khatam ho gaya, we have to start with chromosomal basis of inheritance which was earlier an another chapter, but 2 saal pehle se merge hoke do chapters ko ek mein kiya hua hai, so we will be starting with the new actually topic, fresh topic next time, which is chromosomal basis of inheritance. Theek hai, thank you all for listening, have a nice day.